आज संत सुरक्षा मिशन उज्जैन इकाई की संगोष्ठी संपन्न हुई और इसमें उज्जैन इकाई के सभी पदाधिकारी आदरणीय परम सद्य महामंडलेश्वर पद्म विभूषित श्री प्रेम प्रमानंद जी महाराज और श्री अवधूत श्री केलार गिरी जी महाराज और भगवताचार्य देवी प्रतिभा जी पांडे जी के सानिध्य में आज इस मिशन का कार्य यहाँ के संगोष्ठी का कार्य विचार गोष्ठी का कार्य संपन्न हुआ और किया गया और उस पर कार्य करने का अमल किया गया। उज्जैन इकाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके जो गौरव दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका बारम्बार अभिवादन नमन और सादर वंदन करता हूँ। और इसी तरीके से आज जो हमने सबने मिलकर एक संकल्प लिया है कि संत सुरक्षा मिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र देव जी महाराज ने जो संकल्प लिया है और 18 राज्यों में जो अपना बृहत कार्य कर रहा है और एक बड़े संगठन के रूप में उभर रहा है, उसके लिए आज हम सभी संकल्पित हुए हैं। उस मिशन के जो उद्देश्य है उसके परिपूर्ण करने के लिए हम संकल्पित हुए हैं। संत समाज और संत सेवा के लिए हम संकल्पित हुए हैं और आज उज्जैन इकाई को मैं बारम्बार फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वासन देता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे राजेंद्र देव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संकल्प जो ध्वज उठाया है उसमें हम भी आपके लिए गंदे से गंदा, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे 11 सूत्री कार्यक्रम को जो है वो पूर्ण रूप से हमारी मांगों को स्वीकार करें और संत समाज और संत सुरक्षा के हित के लिए कार्य करें और हम आगे आवाज इसकी बुलंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 18 राज्यों के जो आज हजारों संत संत सुरक्षा मिशन में जुड़ चुके हैं उन सभी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम सिर्फ संतों के हित के लिए और समाज हित की व्यवस्था चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। यही है जो है हमारा मिशन है और हम इसे किसी भी रूप में इसे आगे बढ़ाएंगे और अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय राजेंद्र देव जी ने जो संत सुरक्षा मिशन की जो नींव रखी है उस नींव के अंतर्गत जो हमारे भी उन्होंने आदरणीय रोहित जी को आमंत्रित किया इस उज्जैन नगरी में, महाकाल बाबा की नगरी में, और इन्होंने 11 सूत्री जो आयाम थे, जो कार्यक्रम जो महाराज जी ने रखे थे उनको इन्होंने बहुत बखूबी सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी थे उन तक पहुँचाया। मैं रोहित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बोलिए जय संत समाज की जय। बोलिए महाकाल महाराज की जय।